guys, this is Preeti and welcome back to your channel Short World. So guys, today I'm going to make you understand how to make an angle with the help of compass. सबसे पहले हम एक line segment लेंगे. ये line segment ली मैंने AB. आप compass से कितना भी एक arc ले लो, दिख रहा है यहाँ पे, इससे पहले आप इक्वल कर लीजिए दोनों और इससे हमने ए पॉइंट ए से जो इसका एंड पॉइंट है यहां से एक आर्क लेंगे. इस आर्क ने यहां पर ए बी को कट किया है. इंटरसेक्शन जो पॉइंट है इसका, वहां से फिर से हम एक कट लेंगे. ये आपका 60 डिग्री मिल गया आपको. ये 60 डिग्री है. 60 डिग्री वाले पॉइंट से आप फिर से एक आर्क लो तो ये आपका बनेगा 120 एंड इसी को आप आगे बढ़ाओगे और 120 से कट करोगे तो ये आपके पास मिलेगा 90 डिग्री. क्लियर? सबसे पहले हमने एक आर्क ली और यहां पर ए बी के इंटरसेक्शन पॉइंट से आर्क काटी तो 60 डिग्री. 60 डिग्री से हमने एक आर्क लिया तो ये 120 हमें मिला और उसके बाद 60 और 120 से जब मैं आर्क काटूंगी तो ये मुझे मिलेगा 90 डिग्री. इज दैट क्लियर? इन्हें आप मिला लीजिए. क्लियर? अब आपको अगर 60 डिग्री का हाफ करना है यानी कि आपको चाहिए 30 डिग्री, तो आप 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे? ये जो जिस सेम एंगल आपने लिया हुआ है, सेम आर्क जो आपने ली हुई है, यहां से इसे आप आगे बढ़ा दीजिए और 60 डिग्री से हम इसे कट करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये आपको मिलेगा 30 डिग्री. क्या किया मैंने, यहां से जो ए बी इंटरसेक्शन पे जो ये आर्क कट की थी वहां से आर्क को आगे बढ़ाया और 60 से लेके आर्क को कट कर दिया, ये 30 डिग्री पे आपके एंगल बन जाएगा. इसी तरीके से जब 45 हम बनाएंगे तो यही हम 90 डिग्री पे रखेंगे कंपास को और 90 डिग्री के बाद आर्क को कट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 45. इज दैट क्लियर? तो आपके पास आ गया. आप इसे डी से मेजर भी कर सकते हैं तो ये आपका बिना 45 और ये आपका मिला 30 डिग्री. क्लियर? ये आपका 45 एंड 30 डिग्री. तो ये आ गया आपका 30, ये है आपका 45, ये है 60, ये 90 और ये 120. नाउ आई एम गोइंग टू मेक 22.5 यानी कि 22.5 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे. सबसे पहले आप इसी तरीके से एक लाइन सेगमेंट लीजिए ए बी और इस पे हम बनाएंगे 90 डिग्री. इसके लिए मैंने एक आर्क ले ली. ये 60 कट हुआ, ये 120 और यहां पर आपका 90 डिग्री आ गया. 45 हम पहले बनाएंगे 90 डिग्री बनाने के लिए. 90 डिग्री पहले बनाया उसके बाद हम 45 बनाएंगे. अब यहां से मैं 45 बना रही हूं तो 45 के लिए मैंने ये आर्क लिया और 90 से जहां पर ये 90 का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से ये 45 बन गया. क्लियर? इसे 45 को आप मिला लीजिए. फोर्टी फाइव बनने के बाद जहां पर ये 45 का इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां से आप जब लोगे आर्क तो ये आपका बनेगा 22.5 यानी कि 22.5 डिग्री ये आपका बन गया. क्लियर? ये आपका 22.5 डिग्री.